देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। भारत में चावल से अनेकों व्यंजन बनाए जाते हैं, जैसे कि पुलाव, बिरयानी, सादे चावल, नमकीन चावल इत्यादि। ऐसे ही थे एक चावल खाने की शौकीन चारू। चारू सुबह सवेरे कॉलेज जाने के लिए रेडी होकर कमरे से बाहर आकर अपनी माँ रूपा को बोलती है, माँ जल्दी से मेरा नाश्ता दे दो, मुझे कॉलेज के लिए देरी हो रही है। हाँ हाँ ला रही हूँ। रूपा नाश्ते की प्लेट लिए हुए चारू के पास आकर कहती है, ले गर्मा गर्म पराठे खा ले। पराठे क्यों माँ, मुझे चावल खाने हैं। फिर से चावल? अभी रात को ही तो छोले चावल खाए थे, ये पराठे बनाने में तुझे पता है कितनी मेहनत लगी है। चुपचाप खा ले, चावल ही खाती रहती है हमेशा। माँ किसने कहा था आपसे इतनी मेहनत मजदूरी करने के लिए? अरे आपको पता है ना कि चावल खाए बिना मेरा पेट नहीं भरता। जाइए मेरे लिए चावल बना दीजिए। अभी तो बड़ा गला फाड़ रही थी कि तू कॉलेज के लिए लेट हो रही है, अब चावल खाते हुए तू लेट नहीं हो रही। माँ पहले पेट पूजा फिर काम दो जा, 5 मिनट में चावल बन जाएंगे, जल्दी से कुकर में सीटी लगवा दो, गर्मा गर्म चावल ले आओ। इतनी अच्छी सब्जी के साथ चावल तो होने ही चाहिए। चारू की जिद के कारण रूपा को दोबारा मेहनत करते हुए चावल बनाने ही पड़ते हैं। और जैसे ही चारू कुछ देर में टेबल पर अपने पसंदीदा चावल देखती है तो वो कहती है, ये हुई ना बात, अब हुई मेरे पेट की भूख शांत। ना जाने इस लड़की को चावल की कितनी भूख है, ऐसा भी क्या है इन चावलों में जो इनके पीछे पड़ी रहती है और तुझे रोटी नहीं भाती। सब कुछ माँ, इसके ये सफेद सफेद मोती जैसे खिले दाने, इस बासमती चावल की खुशबू, इसका स्वाद, आप ही बताओ माँ, कोई रोटी और पराठा कभी चावल का कंपैरिजन कर सकता है क्या? बिल्कुल भी नहीं। बस कर मेरी चावलों की देवी, चुपचाप खा और निकल कॉलेज के लिए। खाना खत्म करते हुए चारू जल्दी से कॉलेज निकल जाती है और कॉलेज पहुंचकर उसको आते देखकर उसका दोस्त रमन कहता है, वो देख आ गए चावल। चारू खुश होकर दोनों के पास आकर कहती है, गुड मॉर्निंग गाइस। हां नहीं चावल। अबे वो ढक्कन, याददाश्त कमजोर हो गई है क्या तेरी? चावल नहीं चारू नाम है मेरा। चावल घुसने वालों को चावल ही बुलाते हैं। चावल खा खा के सकल भी चावल जैसी हो गई और होलिया भी चावलों जैसा हो। पर शीतल समझा ले इस रमन को, वरना एक पंच मारूंगी ना तो उजड़े चमन जैसा नजर आएगा। सच ही तो कह रहा है वो। और ये क्या कड़ी चावल बनी फिर रही है तू? और किसी कलर की ड्रेस नहीं थी क्या पहनने को? क्यों, अब क्या खराबी है मेरे कपड़ों में? तेरा ये येलो व्हाइट ड्रेस कड़ी चावल के जैसा ही लग रहा है। अबे तूने स्कूल में वो जोक तो सुनाई होगा। कौन सा बे? यही वाला, डबल बैटरी सिंगल पावर, हाथ में रोटी मुंह में चावल, ये तेरे लिए ही बना था। ओए चश्मिश, अब अगर तूने मेरे चावल के खिलाफ एक और शब्द बोला ना तो मैं तुझे मार मार कर तेरे चश्मे का नंबर बढ़ा दूंगी। फिर तुझे पुलाव में बिरयानी और बिरयानी में नमकीन चावल दिखाई देंगे, समझा क्या? अत्यधिक मात्रा में चावल खाने वाली चारू दिन भर चावल से ही अपना पेट भर लिया करती। गुजरते समय के साथ चारू की शादी अभय नाम के लड़के से हो जाती है, जहां उसकी सास शांति उसे कहती है, बहू आज से इस घर की सारी जिम्मेदारियां तुझ पर आ गई हैं। मुझे तुझसे बहुत सारी आशाएं हैं, तो इस घर को खुशियों से भरना। जी सासू माँ। शादी की रात अभय कमरे में आकर कहता है, तुम बहुत सुंदर लग रही थी और शादी का अरेंजमेंट भी बहुत अच्छा था और खाना भी काफी लाजवाब था। जी सबसे शानदार 2 बासमती चावल थे और वो पुलाव तो लाजवाब थे। अरे सारी तारीफ चावल की ही कर दोगी क्या? शाही पनीर और मिक्स वेज भी तो कितनी अच्छी थी। हाँ हाँ वो भी अच्छा था, पर खाने में चावल का होना भी जरूरी है। चावल के बिना ना खाना अधूरा सा रहता है। मुझे तो चावल खाना बहुत पसंद है, बिना चावल खाए तो मेरा पेट ही नहीं भरता। तुम्हें चावल इतने ज्यादा पसंद है क्या? तभी तुम चावल की तारीफ के पुल बांध रही हो। हाँ हाँ बिना चावल के भी भला कोई खाना होता है क्या? तुम लड़कियों का भी ना अजीब ही है। क्योंकि जो मजा चावल खाने में है ना, वो रोटी पराठा किसी चीज में नहीं है। अरे हम लड़कियाँ तो सोच कर ही उछल पड़ती है कि चावल बनेंगे तो रोटी कैंसिल। वक्त गुजरने के साथ सुबह हो जाती है और चारू सारा काम काज खत्म करके किचन में आकर खाने की तैयारी करते हुए कढ़ी चावल बनाने लगती है, जिसके कुछ ही पल में शांति किचन में आकर बोलती है, अरे वाह बहू बड़ी सवेरे उठ गई और क्या बना रही है अपनी पहली रसोई में? माँ जी कढ़ी चावल बना रही हूँ। क्या कढ़ी चावल?
अरे आज तेरी पहली रसोई है बहू, रसोई में कुछ मीठा बनाकर शुरुआत करते हैं। पर तूने तो तीखे से कर दी, इतनी भी क्या जल्दी थी खाने की। अगर माँ जी को बताया कि मुझे भूख लग रही है तो मुझे बुक्कर पेटू ना जाने कैसे कैसे नाम देंगी। अरे चारू बहू क्या सोचने लगी। कुछ नहीं माँ जी, वो क्या है ना, अभय जी को कढ़ी चावल बहुत पसंद है, पर खाने का मन कर रहा था इसीलिए बस। अभय ये कब से चावल खाने लग गया, सुबह में तो ये रोटी खाता है, इससे पहले तो कभी चावल की फरमाइश नहीं करी। खैर कोई नहीं, बना ले। पति को ढाल बनाकर चारू अपना बचाव कर लेती है। कुछ देर में सभी एक साथ खाना खाते हैं और शांति कहती है, वाह बहू कढ़ी चावल तो बड़े लाजवाब बनाए हैं तूने। शुक्रिया माँ जी। समय गुजरता है पर चारू दिन रात खाने में सिर्फ चावल ही बनाया करती और हर रोज चावल खाने से उबकर उसकी सास शांति बहुत परेशान हो चुकी थी। ऐसे ही एक शाम चारू शांति के पास आकर कहती है, माँ जी खाने में क्या बनाऊं? मुझसे क्या पूछ रही है बहू, आज भी दाल चावल बना ले। माँ जी आप इतना उखड़ी उखड़ी से क्यों है, लगता है आपको भूख लगी है इसीलिए आप चिड़चिड़ी हो गई हैं। रुकिए मैं आपके लिए टेस्टी टेस्टी दाल चावल लेकर आती हूँ। यही रुक जा, खबरदार चावलों का नाम भी लिया तो जब देखो तब चावल। अरे दिन भर फोन में आंखें गड़ाए रहती है, कभी कुछ और रेसिपी भी देख लिया कर। रोज रोज चावल खिलाकर एहसान मत किया कर, क्योंकि चावल खा खा कर शरीर में सुस्ती छा गई है, कुछ और भी ट्राई कर लिया कर। माजी मैं समझ गई। आधी अधूरी जानकारी के साथ चारों किचन में आकर वेज बिरयानी बनाकर टेबल पर लाती है। ये लीजिए माँ जी गर्मा गर्म वेज बिरयानी खाइए। फिर से चावल, हे भगवान अगर कभी चावलों से छुटकारा मिलेगा। ये क्या है बहू। माँ जी ये वेज बिरयानी है, आपने कहा था ना कि उबले चावल खा खा कर आपका मन भर गया है, इसीलिए मैं चटपटी राइस बिरयानी बना लाई है। तो चावल ही। अरे आलसी नकारी, रोटी की शक्ल देखिए महीना भर हो गया। दिन रात चावल खाना सेहत के लिए अच्छा नहीं, जो ताकत रोटी से मिलती है वो चावल से नहीं मिलती। पर माँ जी मुझे रोटी बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। पर हमें तो रोटी खाने की आदत है चारू, हम जानते हैं कि तुम्हें चावल पसंद है, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि तुम्हारी पसंद हम अपनी पसंद भी बना लें। इस चावल से पेट भरता भी है क्या। एक महीने में 50 किलो चावल की खपत हो चुकी है, पर आटे की थैली अभी भी किचन के कोने में पड़ी पड़ी मुंह देख रही है। थोड़ा बहुत रहम उस पर भी कर ले, 10 किलो की थैली 10 से मस नहीं हुई। वो थैली हमारे खाने के लिए मंगवाई है, कीड़ों के खाने के लिए नहीं। कल से रोटी बनाने का कष्ट कर लियो। ठीक है माँ जी, कल से मैं आप दोनों के लिए रोटी बना दिया करूँगी। हमारे लिए मतलब, मैं तो माँ जी चावल खाने की आदी हूँ, चावल के बिना मेरा गुजारा नहीं है। रोटी मिले ना मिले कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन चावल ना मिले ना तो मेरी तो भूख ही नहीं मिटती। अरे हम कौन सा तेरे चावल खाने पर सदा सर्वदा के लिए रोक लगा रहे हैं। सुबह रोटी बना ले और शाम को चावल बना ले, ऐसे खान पान भी सही रहेगा, सेहत के लिए संतुलित आहार भी बना रहेगा। ठीक है माँ जी मैं कोशिश करूँगी। शांति का सुझाव चारू को सहमत कर देता है, जिसके बाद वो दो दिन में रोटी बनाया करती। पर जरूरत से ज्यादा चावल खाने की बुरी लत के कारण वो दिन में आधा अधूरा खाना खाती और रात को जरूरत से ज्यादा चावल खाया करती। गुजरते वक्त के साथ लगातार चावल खाने के कारण उसकी सास शांति कहती है, वो क्या बात है आजकल तुझे इतनी सुस्ती क्यों छा रही है। पता नहीं माँ जी नींद आ रही है, भारी भारी सा मन हो रहा है। ये तो होगा ही बहू, अब तेरी दिन रात चावल खाने की आदत तो छूटने से रही। चावल शरीर में सुस्ती लाते हैं, गैस की समस्या भी बढ़ाते हैं और रोटी के मुकाबले चावल ज्यादा जल्दी पच जाते हैं, जिसके कारण तुझे बार बार भूख लगती है। माँ जी मैं क्या करूँ, चाकर भी मेरी चावल खाने की आदत कम ही नहीं होती है, रोटी के निवाले तो मानो मेरे गले से नीचे नहीं उतरते। बहू तरकीब है, तुझसे चावल नहीं छूट रहे ना, क्योंकि तेरे जुबान को चावल का बुरा चस्का लगा हुआ है। तू चावल के आटे की रोटियां खाना शुरू कर, जब धीरे धीरे तुझे चावल के आटे की रोटियां भाने लगेगी तो तू गेहूं के आटे की रोटी भी खुद पे खुद खाने लगेगी। ये सही कहा आपने माँ जी। चावल खाने वाली चारू अपनी सास की बात से सहमति जाहिर करते हुए चावल के आटे की रोटियां खाना शुरू करती है। वक्त के साथ धीरे धीरे सिर्फ चावल खाने की आदी चारू अपनी ज्यादा मात्रा में चावल खाने की बुरी आदत को नियंत्रित करने में कामयाब हो जाती है और इस तरह चारू चावल के साथ रोटी और संतुलित आहार को भी अपने खाने में शामिल कर लेती है। मुझे माफ कर दो सुरेखा बहन, मैं
तुम्हारे साथ आज तक बहुत गलत किया, लेकिन अब मैं समझ गई हूँ कि लड़ाई में कुछ नहीं रखा और तुमने हमेशा मेरा बहुत साथ दिया है, उसके लिए मैं हमेशा तुम्हारी एहसान मंद रहूँगी। ऐसे मत बोलो हरलीन, आखिर एक पड़ोसन ही दूसरे पड़ोसन को काम नहीं आएगी तो कौन आएगा। हरलीन और सुरेखा दोनों अपने पतियों के साथ में मनाली घूमने के लिए जाते हैं। मनाली के खूबसूरत वादियों में जाकर उन्हें बहुत अच्छा लगता है। वो अपनी सारी पुरानी यादों को भूलने की कोशिश करते हैं। ऐसे ही वो सब मिलकर एक लेक को देखने के लिए जाते हैं। जैसे ही ये लोग वहाँ जाते हैं तो उन्हें पता चलता है कि लोगों की भीड़ एक जगह पर जमा है। तो माधव वहाँ जाता है और उनमें से एक आदमी से सवाल करता है। भाई साहब क्या हो रहा है यहाँ पर और इतनी भीड़ कैसे जमा है। अरे भैया क्या बताएं आपको, ये तो आमतौर पर हर जगह होता ही रहता है। एक अमीर औरत एक गरीब औरत से लड़ रही है, उसको जलील कर रही है। ये तो आपने बिल्कुल ठीक कहा, ऐसा तो हर जगह होता है। माधव उन लोगों के पास वापस चला जाता है और उनसे कहता है, ये भीड़ उन जैसे ही लोगों की वजह से लगी है। मतलब क्या है आपका? मतलब ये कि जो चीजें पहले हम किया करते थे आज ये लोग खुद कर रहे हैं। सही कहा आपने, हमें कुछ ना कुछ तो करना ही होगा। इसके बाद वो सब लोग उन लोगों के पास में जाते हैं और उन्हें समझाने की कोशिश करते हैं। वो सब लोग इन लोगों की तरह ही होते हैं। सुरेखा उनमें से एक औरत से बोलती है, मेरी बात सुनिए जरा। क्या है? देखिए आप लोग ऐसे लड़ क्यों रहे हैं? आखिर इतनी खूबसूरत जगह पे हम लोग घूमने आए हैं तो मजे करिए ना, ऐसे लड़कर अपना और दूसरों का टाइम क्यों वेस्ट कर रहे हो? आप होती कौन है हमें समझाने वाली? जी एक समझदार नागरिक जो अपने देश को और इसमें रहने वाले लोगों को जागरूक कर रही हूँ। अरे देखिए ना कितनी अजीब सी औरत है, एक छोटी सी बात का पतंगड़ बनाई जा रही है। जी क्या हुआ है ऐसा? अरे होना क्या है, ये मेरी चीजों से हमेशा चिढ़ती रहती है, इससे मेरी अमीरी देखी नहीं जाती। हेलो मैडम जी, मैं नहीं चलती आपकी अमीरी से, बल्कि आप चलती है मेरे घर के सुख शांति से। मतलब आखिर कहना क्या चाहती है आप? जी बात ये है कि मैं और मेरा पति तम खाकर भी बहुत खुश है और ये इतने पैसे वाली होकर भी बहुत ही दुखी है, बस इसी बात का रोना लेकर रोज ही मुझसे लड़ती है। ये तो बहुत ही गलत बात है आपकी। देखिए आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि एक समय पर मैं भी सुरेखा बहन के साथ आप ही की तरह किया करती थी। फिर वक्त के साथ मुझे समझ आया कि मैं तो बहुत गलत कर रही हूँ। सच में आप हम लोगों की तरह लड़ा करते थे, बल्कि आपसे भी बुरा। तो फिर आप दोनों के बीच सब ठीक कैसे हुआ, सुनना चाहेंगी आप? हाँ हाँ क्यों नहीं। वो सब मिलकर एक खूबसूरत सी झील के पास जाकर बैठ जाते हैं। फिर हरलीन और सुरेखा मिलकर बबीता और जिया को अपनी कहानी बताना शुरू करते हैं। साथ ही साथ उनके पति भी उनका पूरा सपोर्ट करते हैं। सुरेखा हरलीन से बोलती है, आप शुरू करोगे या मैं बताना शुरू करूं? आप ही कर दीजिए। ठीक है, अगर मेरी किसी भी बात का बुरा लगा हो तो उसके लिए मैं पहले ही माफ़ी मांग रही हूँ आपसे। जी मैं जानती हूँ कि हमने जो कुछ भी एक दूसरे के साथ किया है वो बेहद शर्मनाक भी है और मुझे उसका पछतावा भी है, पर कोई बात नहीं आप बेझिझक होकर सब कुछ बताइए। सुरेखा उन्हें 1.5 साल पहले की कहानी बताना शुरू करती है, जब सुरेखा और हरलीन एक दूसरे से लड़ा करते थे। सुरेखा हर रोज की तरह अपने घर की सफाई कर रही होती है और उसे खत्म करने के बाद सुरेखा बाहर की सफाई करने लगती है, तो सामने से हरलीन उसे देख लेती है और उसे कहती है, अरे ओ भैंस की आंख, आज तो फिर मेरे घर के बाहर कूड़ा फैला रही है। अबे ओ भैंस की आंख होगी तेरी और तेरे पति की, तेरी आंखें हैं या ढक्कन, तुझे दिखाई नहीं देता क्या? मैं अपने घर के आगे साफ सफाई कर रही हूँ। ए जो बोला है ना मुझे बोल, मेरे पति पर मत जाइयो, नहीं तो अच्छा नहीं होगा। क्यों अब सुलग गई तेरी? ओ मैडम अगर मैं सुलगाने पर आई ना तो तू यहाँ पर खड़ी भी नहीं रह पाएगी, और तेरे पति के बारे में तो ना मुझसे अच्छा कोई जानता ही नहीं होगा। अरे सारा दिन गली के नुक्कड़ पर बैठा बस ताश खेलता रहता है। अबे और नेवली सी शक्ल की ज्यादा मत बोल, मुझे सब पता है, और मुझे क्या पूरे मोहल्ले को पता है कि तेरे पति का उस नई पड़ोसन के साथ इलू इलू चल रहा है। हाँ हाँ तू तो CID है मोहल्ले की, जो तेरे पास सबकी खबर रहती है, कौन क्या कर रहा है, किसके साथ जा रहा है, क्या खा रहा है। दोनों की बहस चल ही रही होती है कि तभी पीछे से दोनों के पति आ जाते हैं और वो अपनी अपनी बीवियों से बोलते हैं,
हाँ यार, ये जहर हर जगह फैल चुका है, हमें कुछ करना चाहिए इसको लेकर। अरे मैं कुछ कह रही हूँ क्या? जो भी कह रही है यही कह रही है। अच्छा जी, अब देखो इसे कितनी भोली बनकर दिखा रही है। तुम भी कुछ कम नहीं हो, जानता हूँ मैं तुम्हें, जरूर तुमने ही कुछ किया होगा। हाँ हाँ, और तरफदारी, अरे अपनी पत्नी को छोड़कर बाकी मोहल्ले की सब औरतें तो तुम्हें शरीफ लगती है। और सच सच बताओ, आखिर क्या चल रहा है तुम्हारे उस नए पड़ोसन से? ये तुम क्या कह रही हो? मेरा किसी के साथ कुछ नहीं चल रहा। झूठ मत बोलो, ये नागिन जो अपने मुंह से अभी जहर उगल रही थी वो सच्ची है ना? क्या यार, तुम भी किसी की बातों में आ जाती हो। उसने कह दिया और तुमने मान लिया। बेचारा आज तो ये गया, मुझे बहुत बुरा लग रहा है इसके लिए। तुम्हें क्यों बुरा लग रहा है उसके लिए? कहीं तुम्हारा भी तो कहीं चक्कर नहीं चल रहा किसी के साथ? अरे ए, नहीं, नहीं, मेरा किसी के साथ कुछ नहीं चल रहा। फिर माधव और रोशन दोनों अपनी अपनी पत्नियों को घर में वापस ले आते हैं और उन्हें शांत करने की पूरी कोशिश करते हैं, लेकिन वो सुनती ही नहीं है। इसी के साथ साथ दोनों वही करती हैं जो उनका दिल कहे। ऐसे ही वक्त गुजरने लगता है। उनके बीच की ये बहस धीरे धीरे गृह युद्ध में बदल जाती है और पूरे मोहल्ले को इस बात की खबर चल जाती है। इसी के साथ साथ इन दोनों के आपस के झगड़े के कारण परेशान होकर रोशन के बिजनेस में भी काफी ज्यादा नुकसान हो जाता है। रोशन और हलीन अपने आस पड़ोस में सबसे मदद मांगने की कोशिश करते हैं, लेकिन कोई भी उनकी मदद के लिए आगे नहीं आता। सुरेखा और माधव उनकी इस हालत को देखकर बहुत ज्यादा परेशान होते हैं और इसी के साथ साथ उनके पास आकर उनसे कहते हैं, हम कुछ मदद कर सकते हैं आपकी? जी, आप इस बुरे वक्त में हमारे पास आए हैं यही बहुत है, लेकिन जितने पैसों की जरूरत हमें है शायद वो आप ना दे पाएं। उसकी चिंता आप मत कीजिए, वो हम देख लेंगे। माधव और सुरेखा अपना घर और सारी जमीन जायदाद को गिरवी रख देते हैं और इससे जो भी पैसा आता है वो रोशनी और हरलीन को दे देते हैं ताकि वो अपना सारा कर्ज चुका सके। वो लोग उनसे पैसा ले लेते हैं और अपने कर्जदारों को दे देते हैं। इसके बाद में धीरे धीरे वो माधव और सुरेखा का सारा कर्ज भी वापस चुकाने लगते हैं। आपका सारा पैसा अब आपको मिल गया? जी मिल गया है, और अब हम लोग लड़ते भी नहीं है। और आप लोगों को भी ऐसा ही करना चाहिए, एक दूसरे से लड़ने के बजाय एक दूसरे का साथ देना चाहिए। आप मुझे माफ कर दीजिए, आप बिल्कुल सही कह रही हैं, और अब से मैं और ये कभी नहीं लड़ेंगे, और न ही मैं। सुरेखा और हलीम दोनों मिलकर उनके बीच में सुलह करवा देते हैं और वो लोग भी इन लोगों की तरह खुशी खुशी रहने लगते हैं। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।